है अल्लाम एंड वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ डी आई वाई लिक्विड मेकअप प्रोडक्ट्स एज यू गाइस नो वी हैव ऑलरेडी डन विद द पार्ट वन जिसके अंदर आप अगर देख आ रहे हो तो आपको पता होगा हमने उसके अंदर बनाई थी डी आई वाई लिक्विड फाउंडेशन देन हमने तैयार किया था क्रीम कंट्रोल एंड क्रीम ब्लस जो कि बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परेशान नहीं हो जाकर पहले उसे चेकआउट कर लो एंड देन पार्ट वन में ही हमने हाईलाइटर भी बनाना सीख लिया था बाई यूजिंग एन आई शेडो पैलेट और उसी वीडियो में मैंने आपको एक और ट्रिक दी थी लिक्विड हाईलाइटर तैयार करने की यूजिंग योर हाइलाइटर पैलेट नाउ फाइनली वी आर गोइंग फॉर द रिमेनिंग प्रोडक्ट सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं लिक्विड आई जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है टॉप सेलिंग पे जा रहे हैं सो so, आप अपनी ग्लिटरी आई शेडोज को किस तरह लिक्विड ग्लिटर आई शेडो में कन्वर्ट कर सकते हो लेट सी सो so, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली एक ग्लीटर आई शेडो पैलेट जिसकी कंडीशन से आपका अंदाजा हो रहा होगा कितना मैंने अपने यूज़ में रखा है खैर इसमें से बहुत प्यार प्यारे से शेड हैं आप जिसमें से आई एम गोइंग टू चूज दिस वन ये एक बहुत ही प्यारा सा न्यूट्रल शेड है वन ऑफ माई फेवरेट शेड अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ स्क्रैच करके निकाल लूंगी अब इसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी किस तरह तैयार करनी है आपने कि यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एक प्राइमर यहाँ पे मैं यूज करूंगी फेस इट का इश्टी स्टूडियो फेस प्राइमर ये जेल बेस्ड प्राइमर है बिल्कुल एक स्मूथ टेक्सचर पे है यानी नॉन ग्रीसी भी है आपको बहुत स्मूथ सा टेक्सचर देता है सो so, मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगी यहाँ पे तकरीबन मैं इसके दो पम्प ऐड कर रही हूँ जितना मैंने आई शेडोल लिया था उसको बिल्कुल एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आजकल जो हमें मार्केट्स में ऐसे लिक्विड आई शेडोस मिलते हैं उनकी भी कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरह की जेल लाइक होती है सो ये बिल्कुल आपको मार्केट वाला जेल बेस्ड आई शेडो तैयार हो गया है जब आप इसके साथ ये प्राइमर ऐड करोगे तो इस ग्लिटर का कलर मजीद पापा हो जाता है और मार्केट्स में ज़्यादातर ग्लीटरी लिक्विड आई शेडो ही सेलिंग में होता है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भी इतनी आसान हो जाती है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से धूप में फुल डे लाइट के अंदर इसका दिखाती है ताकि आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है और कितना ही खूबसूरत शेड है और जब आप इसको अपने आईलेट्स पे अप्लाई करोगे तब इसमें और भी प्यारा लगना है तो फटाफट फट से कुछ मजीद शेड इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए तैयार कर लेते हैं जो कि मोस्टली हम लोग अपने ड्रेस के साथ कंट्रास्ट करके यूज कर रहे होते हैं ग्लीटर्स में ये थोड़ा सा गर्ल्स डार्क ग्रीन शेड चूज कर लेते हैं और यहीं पर मेरे पास ये इससे टच देता हुआ लाइट ग्रीन सा शेड है ये भी ले लेते हैं और फिर हम ये पर्पल ले लेते हैं और यहाँ पे ये एक न्यूब सा पिंक शेड है इसमें हम सब में प्राइमर ऐड करेंगे मिक्सिंग करेंगे और वन बाय वन मैं आपको इसके स्वाचेस दिखा देती हूँ so so तैयार हुए हैं किसी क्लिटरी आई लुक के लिए जा रहे हो सो so इसी तरीके को स्विच करिएगा मैं भी हमेशा यही तरीका स्विच करती हूँ जब भी मैंने एक बहुत ही अच्छी सी ग्लिटरी आई लुक तैयार करनी होती है okay ओके जी अब हम बनाने जा रहे हैं एक एल्यूमिनेटर एल्यूमिनेटर बेसिकली आप एक ग्लोइंग मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हो आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लगा के यूज कर लेना इल्यूमिनेटर के लिए आपने थोड़ी हल्की क्वांटिटी यूज़ करनी होगी लेकिन सेम मेथड होगा आप लेंगे एक आई शेडो पैलेट और उसमें से मैं ये क्लासिक गोल्डन कलर इसमें से डस्ट ऑफ करूंगी थोड़ा सा हम निकाल लेंगे इसको स्क्रैच करके और अब इसके अंदर हमें ऐड करना होगा कोई भी फेशियल ऑयल यहाँ पर मेरे पास एक हो, होबा ऑयल है एंड सेकेंड आई हैव दिस रोज ऑयल सो इन ये इस तरह के जो भी कोई फेशियल ऑयल होते हैं फेस मसाजिंग ऑयल्स होते हैं सो so, जो मोस्टली हम लोग सर्दियों में कोई डिया सीरम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो so, कोई से भी आपके पास फेशियल ऑयल है उसकी मैं इस ड्रॉपर की हेल्प से सिर्फ दो ड्रॉप्स लूँगी और ये दो ड्रॉप्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स करेंगे एंड योर एल्यूमिनेटर इज ऑल ऑल्टन इन अदर वर्ड्स आप इसको एक हाईलाइटर की तरह भी कह सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादातर जो डे के लिए हम मेकअप्स कर रहे होते हैं उसमें ये क्लासिक सा गोल्डन हाईलाइटर यूज़ करते हैं सो so, आप फेस लगाने से पहले इस इल्यूमिनेटर को बहुत हल्के हल्की क्वांटिटी में अपने फेस के ऊपर ब्लाइंड करें देन अपनी बेस अप्लाई करें नेक्स्ट हमने इसी आई शेडो पैलेट को यूज़ करते हुए तैयार करना है एक बॉडी शेमर जो कि बहुत बॉम्ब होने वाला है और मार्केट्स में आपको पता होगा ऑलरेडी कि कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं बट हमने यहाँ पे इसी आई शेडो पैलेट को यूज़ करते हुए तैयार करना है वो कैसे जिनको पहले नहीं पता बॉडी शिमर क्या है मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ बेसिकली आप बॉडी शिमर जब यूज़ करते हैं जब आपको अपनी स्किन को बिल्कुल एकदम रेडियंट और हाइड्रेटेड एक हेल्दी लुक के ऊपर ग्लोइंग फिनिश के ऊपर रखना होता है जब मोस्टली इसको फेस के अलावा आप नेक पे अपने आर्म्स पे शोल्डर्स पे यूज़ कर सकते हो मोस्टली ये मार्केट्स में ऑयल बेस्ड या फिर पाउडर फॉर्म में आते हैं सो so, मैं यहाँ आपको ऑयल बेड बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैं शेडो पैलेट में से कुछ इस तरह का शेड चूज़ करूंगी जो बिल्कुल एक स्पार्कल फिनिश के ऊपर हो सो so, मैंने यहाँ पे ये सिल्वर वाला शेड चूज़ कर लिया है इसको मैं यहाँ पैलेट पर निकालूंगी देन इसके अंदर मैं ऑयल बेस्ड कंसिस्टेंसी करने के लिए एक फेशियल ऑयल ऐड करूँगी फेशियल ऑयल यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास जिससे ये मजीद जो है स्पार्कल लुक के ऊपर आएगा तो so, इसके मैं तीन ड्रॉप्स ऐड करूँगी जितना ज़्यादा आपको इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रखनी है उतना आप ऑयल ऐड कर लो यहाँ पे एंड देन आप इसकी मिक्सिंग कर ले और आपका एल्यूमिनेटर बिल्कुल रेडी है और ऑयल की आप फिक्र नहीं करना ये स्किन में लगाती है एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने एक फेशियल ऑयल ऐड किया है और ये बॉडी के उन्हीं पार्ट्स के ऊपर लगता है जहाँ पे आपको एक ऑयल एब्जॉर्बशन भी चाहिए होती है आप इसको भी एल्यूमिनेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बेस लगाने से पहले अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करें मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में बिल्कुल एक मर्ज हो गया मेल्ट हो गया अच्छे से और कितना स्पार्कलिंग कर रही है मेरी स्किन बिल्कुल एक ग्लोइंग फिनिश के ऊपर आ गया है आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं और अगर आप फ़ाउंडेशन लगाना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर अपनी फ़ाउंडेशन लगाएं और फिर आप रिजल्ट देखिएगा बिफ़ोर एंड आफ्टर कि आपके फाउंडेशन लगाने के बाद अब आपकी स्किन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है सो आई लव दिस प्रोडक्ट तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप तैयार करने वाले हैं या नहीं आपको कौन सा प्रोडक्ट मजे का लगा अच्छा जी अब हम तैयार कर लेते हैं एक ग्लॉसी सी क्रीमी लिपस्टिक जिसके लिए आप अपनी ब्लशिंग पैलेट ले लें और ब्लशिंग पैलेट में आपको सारे तकरीबन लिपस्टिक वाली शेड्स मिल जाते हैं हम ज़्यादातर तो न्यूड या फिर पिंक या रेड कलर की शेड्स यूज़ करते हैं तो इसमें से मैं ये वाला शॉकिंग शेड स्क्रैच करके निकाल रही हूँ अब इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी रखने के लिए आप यहाँ पर ऐड करेंगे पेट्रोलियम जेली एंड डैड सेड ये मेरे पास एडोर्स की इंटेंस शिया बटर पेट्रोलियम जेली है इतनी ऐड करें जितनी कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखनी है यही आपके लिप बाम भी है और यही आपकी लिपस्टिक भी है तो ये लिपस्टिक लगाने से पहले आप लिप बाम नहीं यूज़ करिएगा इसी से आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहेंगे सो दिस इज द फाइनल लुक नाउ वी आर मूविंग ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट एंड इट इज और वाटर प्रूफ और बिल्कुल मैट फिनिश के ऊपर होने वाला है तो, firstly, आप इसके लिए एक आर्ट ब्रश ले लें जिससे हम आई लाइनर लगाते हैं सो तो, ये स्मॉल आर्ट ब्रश है जिससे हम अपना विंग आई लाइनर लगाते हैं सो आपने आर्ट ब्रश लेने के बाद ले लेना है कोई भी मैट लिप ग्लॉस या मेरे पास प्रीमियम फिट मी का मैट लिप ग्लॉस है अब सिंपली आपने इस ब्रश पे लगाना है ग्लॉस और अपनी आईज पे अच्छा सा विंग आई लाइनर लगा लेना है अब हमें इसको आई लाइनर वाली फिनिंग देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे तो आप ले लें अपनी आईशैडो पैलेट और जिस कलर का आपने आईलाइनर लगाया सेम वही शेड उठा लें सेम ब्रश की हेल्प से और अपने आईलाइनर के ऊपर वापस आपने इस शेड आई से आईलाइनर लगाना है इससे जो है आपका आईलाइनर की बहुत अच्छी लुक तैयार होगी और अगर आप ग्लिटरी शेड उठा रहे हैं तो आपका हल्का-हल्का सा आईलाइनर स्पार्कलिंग लुक में आएगा तो और प्यारा लगेगा या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये आप अपनी ब्लशन पैलेट में से ब्लशन शेड उठाएं और सेम मेथड के थ्रू अपने लाइनर के ऊपर ब्लशन का शेड लगा लें एंड दैट्स इट यही तरीका था बहुत अच्छा सा कलर्ड लिक्विड आईलाइनर लगाने का एंड नाउ फाइनली वी हैव डन विद ऑल द प्रोडक्ट्स लेकिन फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इन वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक जब तक के लिए अल्लाह हाफि